दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि हरियाणा इस समय चुनावी रंग में है, इस समय हरियाणा चुनावी मोड में है और चुनाव को लेकर के तमाम गतिविधियां हो रही हैं। पॉलिटिकल पार्टीज देख रही हैं कि उनका जो कैंडिडेट है, उनका जो विधायक है या उनका जो कैंडिडेट था उसमें कितना दम है, क्या उसको रिप्लेस किया जाए, उसके स्थान पर किसी और को लिया जाए। तो दूसरी तरफ जिन स्थानों पर किन्हीं पार्टियों के कैंडिडेट विधायक नहीं चुने गए तो वो ये तलाश रही हैं कि अगला चेहरा यहाँ पर क्या पुराने चेहरे को ही दिया जाए और या फिर यहाँ पर बदलाव किया जाए। यानी कि राजनीति के अंदर किसी भी प्रकार से येन केन प्रकरण सत्ता तक पहुँचना प्राथमिकता होती है और उसके लिए सबसे जरूरी होता है कैंडिडेट्स का चयन, प्रत्याशियों का चयन, कि प्रत्याशी अच्छे मिलें तो फिर सरकार के नज़दीक तक पहुँच जाए, यानी कि सत्ता की चाबी मिल जाए। एक तरफ जहां पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं तो फिर दूसरी तरफ पॉलिटिशियंस यानी कि जो राजनेता हैं, जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, वो भी अपनी तैयारी करते हैं। वो भी देखते हैं कि अगली राजनीतिक पार्टी कौन सी हो, किसी राजनीतिक पार्टी से चुनाव मैदान में हो और या फिर बिना किसी दल के अपना झंडा डंडा अपना तान करके मैदान में उतर जाएं। और इसके लिए जो नेता होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, वो अपने साथियों की, समर्थकों की, उनकी राय शुमारी करते हैं, उनकी बैठक करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या करना चाहिए। भले ही करना तो वो है जो उनके दिल में है। यानी कि एक पुरानी कहावत है कि पंचों की बात सिर माथे, पतनाला वहीं गिरेगा। पतनाला तो नेताओं का वहीं गिरना होता है जहां उन्होंने सोच रखा हो, लेकिन पंच पंचायत जरूर बुलाई जाती है और ऐसी एक पंचायत कर ली आज सुभाष चौधरी ने पलवल में। सुभाष चौधरी पूर्व विधायक हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर एक बार विधायक बने हैं 2009 के चुनाव में करण सिंह दलाल को हराकर। चार बार चुनाव लड़ चुके हैं, दो बार इंडियन नेशनल लोकदल से, दो बार बहुजन समाज पार्टी से, एक चुनाव जीतने का मौका मिला, तीन चुनाव वो हार गए। और अब सुभाष चौधरी तलाश रहे हैं अपनी राजनीतिक जमीन, अपनी पॉलिटिकल जमीन तलाश रहे हैं कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। और इसको लेकर के आज उन्होंने अपने पत्ते कुछ खोले। उस पंचायत के अंदर जो उनका संबोधन था, उस संबोधन में सुभाष चौधरी ने कहा कि लोग चाहते हैं मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बात नहीं बनेगी। भाई, भारतीय जनता पार्टी में तो आप नेताजी हैं ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी को तो आप छोड़ चुके हैं, और जब छोड़ चुके हैं तो फिर बात बनेगी कैसे आखिर। तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में सुभाष चौधरी ने ये कहा और साथ में ये कह दिया कि अगले कुछ दिनों में, यानी कि 10-15 दिनों में कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। एक बार आप सुभाष चौधरी को सुनिए पहले। तो भाई बीजेपी तो अगर कोई किशन पाल धरती ही छोड़ जा तो मुझे टिकट मिल जाएगी, नहीं तो मिल जाएगी ना, ठीक है ना। तो हमारे में बीजेपी तो भागेंगे, बीजेपी में तो कमजोर में लगाऊ, हाँ लेकिन कांग्रेस में मैं जोर लगाऊंगा। अभी जब भी जो ये कहना है कि दलाल की टिकट ना कटेगी, जाकर मैं ज्वाइन कर लाऊंगा, आज ही टिकट तो आगे वाइजी कट जाएगी, गलत कह रहा हूं क्या? कोई गलत कह रहा हूं तो बता दे जो भी। तो भाई बीजेपी तो अगर कोई किशन पाल धरती ही छूट जा तो मुझे टिकट मिल जाएगी, नहीं तो मिलेगी ना, ठीक है ना। तो हमारे में बीजेपी तो भागेंगे, बीजेपी में तो कमजोर में लगाऊ, हाँ लेकिन कांग्रेस में मैं जोर लगाऊंगा। अब भी जब भी जो ये कहना है कि दलाल की टिकट ना कटेगी, जाकर मैं ज्वाइन कर लाऊंगा, आधी टिकट तो आखिर वाइजी कट जाएगी, गलत कह रहा हूं क्या? कोई गलत कह रहा हूं तो बता दे जो भी। अब तक वो इकेला है, दूसरा को टिकट नहीं मांग रहा, अकेला तो कैसे घूमे। मैंने आपको उदाहरण दे दिया, टिकट किसकी कब कटेगी कोई पता नहीं। तो मैं भगवान ने चाहे तो 5-7 दिन बाद कांग्रेस ज्वाइन करूंगा। बचकार मुझसे कल पूछ रहे थे बुटानी जी, हम जाएंगे, कह रहा अगर आप कांग्रेस में जाते हो और दलाल साहब का रास्ता 36 का आंकड़ा है तो आप क्या करोगे। लड़की ने दलाल के लिए कांग्रेस में नहीं जाना,
मैं जनता के हित में कांग्रेस में जा रहा हूँ, मैं हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस में जाऊंगा, मैं हाईकमान के नेतृत्व में कांग्रेस जाऊंगा। दलाल कोई हाईकमान नहीं है कांग्रेस, दलाल तो पलवल वालों के हाईकमान है, कई दलाली हो गए पलवी वाली हमारी हाईकमान, ऐसे थोड़ी बात बनेगी। तो मैं जाऊंगा, भगवान ने चाहिए आप सबका आशीर्वाद प्यार मुझे मिले, टिकट से ही चुनाव लड़ूंगा। बाकी इसके बाद भी कोई टिकट की अड़चन आएगी तो मैं अगले महीना अगस्त चालू हुआ ना, अगस्त के लास्ट में या सितंबर के पहले हफ्ते में एक और जो लोग रह गए मेरी कमी के कारण कहे वो टेलीफोन ना कर पाए कह भी ना सके उन सबसे माफी मांगते हुए मैं दोबारा एक पंचायत लोगों का जरा जवाब जवाब जो आया उस जवाब को मैं क्षेत्र की जनता में रखूंगा और चुनाव की तैयारी करूंगा। कोई अड़चन टिकट अगर उसकी तो लास्ट अगस्त में या सितंबर में एक और मीटिंग रखेंगे, उसमें जो भी लास्ट फैसला तो हो गया बिना टिकट के चुनाव लड़ना वो फैसला होना, ये बात ठीक है या गलत है? वैसे तो फैसला हो गया कि चुनाव की तैयारी करो, लेकिन जो लोग ठीक कहते हैं कि चलो टिकट पे कहीं पे 2000 वोट है कहीं 10 है कहीं पे 20 है कहीं पे 5 है थोड़ी या ज्यादा टिकट पे वोट है, लोग टिकट से जुड़े हुए हैं, आप सब 10, 11, 10, 10:30 बजे से यहाँ आए हैं, आप सब पहली बात तो प्रसाद पाके जाएंगे और आज से यहाँ इस चुनाव का प्रचार करेंगे कि सुभाष चौधरी चुनाव लड़ेगा। जब ये प्रचार जाएगा तो आपके चुनाव को कोई नहीं रोकेगा, अगले महीना विधायक जी तो फारिग हो जाएगा क्योंकि काम वाम सब बंद, ये जो पार्षद साथी नहीं आए हैं जो यहाँ बैठे बोलना नहीं चाह रहे क्योंकि सबे कहिए गली चाहिए कहिए पूछा चाहिए कहिए कोई कोटा चाहिए कहिए कोई परमिट चाहिए, वो ऐसे बहुत से लोग आए ही नहीं है, लेकिन टेलीफोन पर वो कह रहे थे कि चौधरी साहब आप चुनाव की तैयारी करो, तो मैं उनका भी आभारी हूँ आप सबका आभारी हूँ। आप ढाई लेकर उठाने की भी अभी आ गए, मैं इनसे कह रहा था कि कितने लोग हैं 250-300 आदमी के कहा अब यहाँ 500-400 आ गए, ये आप लोगों का प्यार है। आप लोगों को बताया था मैंने टेलीफोन पे कि चौधरी साहब का प्रोग्राम है, मन की चुनाव की मीटिंग है, चुनाव की मीटिंग करके ये लोग आए, वैसे नहीं आए चुनाव की मीटिंग करके आए, बहुत से बोलते भी हैं, बहुत 80% लोग बोले कि वो तो कहते हैं पर ठीक है हम तो तेरे साथ हैं। तो आप सबका प्यार आशीर्वाद मुझ पे, आपके भी कई बड़े गुंडे चले गए वो हमारे लिए उनका भी बड़ा रहा है और उस परिवारों को भी बड़ा आशीर्वाद प्यार है। परिवार की जहां तक बात है हमारे 5-4 भाई भतीजे बैठे हैं और भाई जब चुनाव मैं लड़ूंगा तो एक करीब करीब कहे एक ही चुनाव लड़ेगा दूसरा कोई नहीं लड़ेगा। कल भुटानी जी पूछ रहे थे कि बनाना महेंद्र बनाना कह रहा है कि हम चाचा सुभाष चौधरी के आशीर्वाद से चुनाव लड़ेंगे, बल्कि बड़ी अच्छी बात है, तो मैं भी यही बात कह रहा हूं क्या पवन बनाना लड़े क्या महेंद्र बनाना लड़े क्या सुभाष चौधरी लड़े, चुनाव तो एक ही लड़ेगा। ऐसे मुझे परिवार से समाज के लोगों से ऐसा मुझे आशीर्वाद प्यार बना रहेगा। आप सबका बहुत बहुत बधाई, वैसे मैं गलती तो कम करूं और फिर भी कोई गलती हो जाए तो भाई उसके लिए नुकसान माफी मांग लेनी चाहिए, चलो भाई उसके लिए भी अगर कहीं जाने अनजाने में मैंने किसी के काम ना आया कोई गलत साथ भूल गया हो तो सबके लिए भी आप मुझे माफी देने का काम करेंगे और मेरा अंतिम चुनाव है चुनाव लड़ने का काम करेंगे। आप सब बहुत बहुत पधारे धन्यवाद। फैसला तो
दर्जी ढूंढेंगे, ऐसा तो बता दीजिए। ज्यादा महत्व ये है, कुछ लोगों की राय चुनाव से लड़े, लेकिन 60-70 पर लोगों की परसेंट ये है कि चुनाव हर हाल में लड़े। अध्यक्ष जो हमारे हैं वो फैसला सुनाएंगे। चौधरी सतीशवाड़े, आप प्रधान जी आ जाए और अपनी बात रखें, आप अपना फैसला सुनाएं। अगर आप नहीं बोल सके तो आशीर्वाद प्यार में दे दे। और एक और बात बता दूं, जो आज मुझे धरती से प्यार मिलने जा रहा है वो दलाल साहब के हमारे चौधरी साहब बड़े नजदीकी हैं। आप सबको बता दूंगी, बरेली में लोग बैठे हैं, गोली चांद के बैठे हैं, तो चौधरी साहब का प्यार हमें आज मेरे दिन कह रहा हूं मैं उनके घर में रहा हूं। जब कह रहा हूं आपके तो मन यू कर रहा हूं कि दलाल छोड़ जा स्वाद शरीर को आशीर्वाद दे दे, तो आज वो दिन आ गया। चौधरी साहब ने मुझे आशीर्वाद प्यार देने का काम करेंगे और समस्त फैसला भी आप सुनाएंगे। तो सुभाष चौधरी अपने संबोधन में कह रहे हैं, आपने सुना कि आने वाले दिनों में वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, कांग्रेस में शामिल होंगे, कांग्रेस में शामिल होकर के कह रहे हैं टिकट की मांग करेंगे। उस पंचायत के अंदर जो आज पंचायत हुई पलवल के एक बैंक्वेट हॉल के अंदर, उस पंचायत के अंदर बात ये चली कि उनके जो समर्थक थे वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे और उन्होंने सुभाष चौधरी को राइट्स दे दिए, सभी अधिकार। जो मैंने आपसे कहा कि नेता बुलाते तो हैं, पंच पंचायत होती तो हैं, लेकिन चलता वही है कि पंचों की बात सरना माथे पतनाला वहीं गिरेगा। और पंचों को भी पता होता है कि जिस रहनुमा ने उनको बुलाया है उसकी सोच चल क्या रही है आखिर, और वो भी कह देते हैं कि आपके ऊपर सब छोड़ दिया जी। तो उस पंचायत के अंदर भी सुभाष चौधरी खुद कह रहे थे, आपने सुना भी कि वो कह रहे थे कि लोग चाहते हैं मैं चुनाव लड़ूं व्यवस्था परिवर्तन के लिए। एक बार तो व्यवस्था परिवर्तन वो हो चुकी उनकी, अब कह रहे हैं फिर से चुनाव लड़े व्यवस्था परिवर्तन के लिए। और उस बैठक के अंदर जो पंचायत हुई, उस पंचायत के अंदर जो पंच थे, उन पंचों ने, जो कार्यकर्ता थे, समर्थक थे सुभाष चौधरी के, उन पंच समर्थकों ने सुभाष चौधरी से, कुछ ने तो कहा कि आप चुनाव लड़े चाहे निर्दलीय लड़े, और कुछ ने कहा कि आप किसी पार्टी की टिकट देख लें। तो जवाब में सुभाष चौधरी बोले जो मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में तो जब तक कृष्णपाल गुर्जर हैं मेरा नंबर लगेगा नहीं, और जब कृष्णपाल गुर्जर नहीं होंगे, यानी कि ये काल्पनिक बातें हैं सभी। पहली बात तो जब आप उस पॉलिटिकल पार्टी में हैं ही नहीं, जब आप भारतीय जनता पार्टी के अब प्राइमरी मेंबर भी नहीं है, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट क्यों देगी। दूसरा सुभाष चौधरी ने कहा कि वे 10-15 दिन में आने वाले दिनों में कांग्रेस में ज्वाइन करेंगे, और अपने मुंह से ही कह रहे थे कि भाई कांग्रेस में ज्वाइन करने से कुछ लोगों ने उनसे कभी कहा होगा कि 36 का आंकड़ा, करण सिंह दलाल, वो सब कुछ। तो मैं आपको बताता चलूं दोस्तों कि आज तक की जो कंडीशन है वो तो वर्तमान परिस्थिति तो ये है कि पलवल में कांग्रेस मींस करण सिंह दलाल, पलवल विधानसभा क्षेत्र के अंदर कांग्रेस के अंदर करण सिंह दलाल के अलावा कोई चेहरा नहीं है जो टिकट की दावेदारी कर सके, जिस पर पार्टी सोच सके कि इनको टिकट दे दिया जाए। और अब सुभाष चौधरी कह रहे हैं कि जब वो चले जाएंगे कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे तो फिर उनका नाम बड़ा हो जाएगा, उनको टिकट मिल सकती है। मैं आपको सुभाष चौधरी जी के बारे में बताऊं, सुभाष चौधरी पलवल जिले के केवल पलवल विधानसभा ही नहीं, कद्दावर नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पंचायती नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुर्जर समाज के अंदर उनकी पकड़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुभाष चौधरी कल्याण सिंह के भतीजे हैं। चौधरी कल्याण सिंह, मैंने एक वीडियो आपके साथ पहले भी शेयर किया था, आप आज भी देख सकते हैं कि कल्याण सिंह की राजनीतिक विरासत को सुभाष चौधरी ने संभाला, अगर संभाला तो बाबू कल्याण सिंह की राजनीतिक विरासत को। बाबू कल्याण सिंह हरियाणा सरकार के वजीर भी रहे, पलवल से विधायक भी रहे, और उन्होंने निकाय राजनीति भी की, तो उन्हीं के पदचिन्हों पर सुभाष चौधरी हुए। सुभाष चौधरी ने निकाय राजनीति भी की, यानी कि वो नगर परिषद के पार्षद भी रहे और नगर परिषद के कुछ समय चेयरमैन भी रहे। उसके बाद में 1996 के अंदर उन्होंने पहला चुनाव लड़ा विधानसभा का, बहुजन समाज पार्टी से चुनाव हार गए। फिर उसके बाद में उन्होंने दूसरा चुनाव लड़ा 2000 में विधानसभा का, बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर ही चुनाव हार गए। फिर वो 2005 में चुनाव लड़े नहीं, करण सिंह दलाल के खिलाफ एक मोर्चेबंदी में रहे। 2009 के चुनाव से पहले उनको इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल करवाया ओम प्रकाश चौटाला जी ने, और उनको इनेलो का टिकट मिला,
और करण सिंह दलाल की एंटी इनकम्बेंसी ऐसी थी कि उसके अंदर सुभाष चौधरी ने करण सिंह दलाल को चुनाव हरा दिया। ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, खुद सुभाष चौधरी कई बार कह चुके हैं कि भाई करण सिंह दलाल को मैंने नहीं, जनता ने हराया था और उनकी एंटी इनकम्बेंसी ने उसको हरा दिया था। तो 2009 में चुनाव सुभाष चौधरी जीत गए, MLA बन गए। 2014 में वो फिर इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर चुनाव मैदान में थे और उस चुनाव को वो हार गए। उस चुनाव में वो तीसरे स्थान पर रहे। 2019 के चुनाव से पहले सुभाष चौधरी ने इंडियन नेशनल लोकदल को छोड़ दिया और लंबी जद्दोजहद के बाद, खूब सजदे करने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। भाजपा में उनको शामिल कराया गया। जब भाजपा में उनको शामिल कराया गया, जब भाजपा में वो शामिल हुए, उस समय तक दीपक मंगला को टिकट मिल चुका था भारतीय जनता पार्टी से बतौर कैंडिडेट पलवल के विधानसभा क्षेत्र का। सुभाष चौधरी शामिल हो गए बीजेपी में। बीजेपी में रहते हुए उनका कभी हाँ कभी ना, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी खुशी कभी गम, ये सब कुछ चलता रहा। और अब जब 2024 का लोकसभा चुनाव आया, इस लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने तमाम तोहमत मरते हुए कृष्णपाल गुर्जर पर और भाजपा के विधायक दीपक मंगला पर उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया। बीजेपी को छोड़ करके उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की और कांग्रेस के कैंडिडेट चौधरी महेंद्र प्रताप को समर्थन दिया। चौधरी महेंद्र प्रताप का समर्थन किया उन्होंने और यहीं पर ही फिर से रार शुरू हो गई करण सिंह दलाल और सुभाष चौधरी में। अब कह रहे हैं सुभाष चौधरी कि वो करण सिंह दलाल का विकल्प बनेंगे कांग्रेस में जाकर के और कांग्रेस में शामिल होंगे। ये सुभाष चौधरी का जो पुराना पॉलिटिकल करियर मैंने आपको वो बताया और आगे उनकी तैयारी है कि वो कांग्रेस में शामिल हों और कांग्रेस से टिकट लें। अब दोस्तों बड़ी बात यह है, आपके साथ मेरे जो सवाल है वो ये है कि क्या सुभाष चौधरी अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो क्या कांग्रेस उनको बतौर कैंडिडेट कंसीडर करेगी, उनको क्या टिकट मिल सकता है? करण सिंह दलाल जो पूरी तरह से जड़े जमाए हुए हैं कांग्रेस के अंदर, क्या उनको नेगलेक्ट करना आसान होगा? क्योंकि अभी हाल ही में 45 सदस्यीय कमेटी बनाई है कांग्रेस ने, अगले वीडियो में आपसे जिक्र करूंगा, उसके मेंबर भी करण सिंह दलाल हैं, पलवल जिले से चौधरी उदयभान के अलावा इकलौते मेंबर हैं उस कमेटी के अंदर। और तीसरी और प्रमुख बात यह कि क्या आपको लगता है कि सुभाष चौधरी अब की बार विधानसभा चुनाव मैदान में होंगे? अगर वो चुनाव मैदान में उतरे तो फिर पलवल विधानसभा का सिनेरियो कैसा बनेगा? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।